आज हम बनाएंगे मेंदू बड़ा, जो कि साउथ इंडियन डिश है। इसे आप लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर में भी सर्व कर सकते हैं। ये अंदर से होती है सॉफ्ट और बाहर से होती है क्रिस्पी। इसे कोकोनट की चटनी या सांभर के साथ सर्व किया जाता है। तो बनाते हैं मेंदू बड़ा। तो मेंदू बड़ा बनाने के लिए यहाँ पर हमें ली है 1 कप उड़द दाल, और उड़द दाल को हमें 2 से 3 पानी से धुल लेना है। धुल लेने के बाद हमें इसे 5 से 6 घंटे भिंगो देना है। यहाँ पर मैंने पहले से ही उड़द दाल को 5 से 6 घंटे भिंगो करके रख दिया था। अब हमें इसे छान लेना है। छानने के बाद हमें ग्राइंडिंग जार में बिना पानी डाले इसे बिल्कुल फाइन पेस्ट पीस लेना है। अब हम इसे ग्राइंडिंग जार में डाल देना है और एक साथ पूरी उड़द दाल को हमें नहीं पीसना है, थोड़ा थोड़ा करके हमें इसे पीस लेना है। और दाल को हमें बिल्कुल बारीक ही पीसना है। जरूरत के हिसाब से हमें इसमें 2 से 3 चम्मच ही पानी डालना है, इससे ज्यादा हमें इसमें पानी नहीं डालना है। तो यहाँ पर हमारी सारी उड़द दाल पिस गई है। अब हमें इसे 5 से 7 मिनट के लिए लगातार फेंटना है, जिससे इसमें एरेशन होगा और बैटर फ्लफी हो जाएगा। ये स्टेप करना बहुत जरूरी है। 5 से 7 मिनट के बाद हमें इसमें डाल देना है 3 चम्मच चावल का आटा। चावल का आटा हमें थोड़ा थोड़ा करके ही इसमें डालना है। आप नॉर्मल चावल को ग्राइंडिंग जार में डाल करके चावल का आटा बना सकते हैं। अब हमें इसमें डाल देना है 1/2 चम्मच खड़ा जीरा, 1/4 चम्मच हींग, 1 इंच अदरक ग्रेट की हुई, हरी धनिया बारीक कटी हुई, 2 हरी मिर्च, 1/2 चम्मच बेकिंग सोडा, 10 से 15 करी पत्ते। इसे हमें हाथों से रफली तोड़ लेना है। अब हमें इसमें डाल देना है 1/2 चम्मच नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें ऐड करें। अब इन सभी चीजों को हमें अच्छे से फिर से फेंट लेना है और 5 से 7 मिनट तक हमें इसे और फेंटना है। जितना ज्यादा हम इसे फेंटेंगे, हमारे मेंदू बड़ा उतनी ही ज्यादा अंदर से सॉफ्ट और बाहर से करारे बनेंगे। अब हमें फिर से इसमें 3 चम्मच चावल का आटा डाल देना है और हमें इसे फिर से फेंटना है। टोटल हमने बैटर को 10 से 15 मिनट के लिए फेंट लिया है। ये बिल्कुल अच्छा फ्लफी हो गया है। हाथों में पानी लगा करके बैटर को हमें हाथ में ले लेना है और इसे हमें हाथों से स्मूथ कर लेना है। स्मूथ कर लेने के बाद पानी लगा करके हाथों में इसे फ्लैट कर लेना है। फ्लैट करने के बाद हमें इसमें बीच में एक होल कर लेना है और सेम इसी तरह से हमें अपने सारे मेंदू बड़ों को रेडी कर लेना है। अब हमने पैन में पहले से ही ऑयल को गरम कर लिया है। अब मेंदू बड़ों को अगर हम ऑयल में ऐसे ही डालेंगे तो उसका शेप बिगड़ जाएगा, इसलिए हमें स्पैचुला में थोड़ा पानी लगा करके मेंदू बड़ों को उसके ऊपर रख करके मेंदू बड़े धीरे धीरे करके इसमें डाल देने हैं और गैस की फ्लेम को हमें लो टू मीडियम कर देना है। जैसे जैसे मेंदू बड़ा पकता जाएगा, ये ऊपर आता जाएगा और हमें
7 से 8 मिनट तक बीच बीच में चलाते हुए मेंदू वड़ों को हल्का गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लेना है। अभी आप देखेंगे मेंदू वड़े बिल्कुल ऊपर आने लगे हैं, तो हमारे मेंदू वड़े बिल्कुल रेडी हैं। और इसे फ्राई होने में हमें 7 से 8 मिनट का टाइम लगा है। और इस तरह से ही हमें अपने सारे मेंदू वड़ों को रेडी कर लेना है। तो रेडी है हमारे मेंदू वड़े। मेरी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा और कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा आपको ये कैसी लगी। और मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।